हेलो अंक्षी लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा वुइंग जब अपने रूम में वापस आता है तो वांग जी ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ था और उसका इंतज़ार कर रहा था। वुइंग गुस्से में उसकी तरफ देखता है तो वांग जी कहता है उसके लिए सच जानना ज़रूरी था वुइंग, अच्छा हुआ उसे टाइम से पता चल गया। वुइंग उससे कहता है ये सब तुम्हारा इविल प्लान था ना, तुम चाहते थे कि मैं उससे ब्रेकअप कर लूँ। तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो गया वांग जी, अब तुम बैठकर हंस सकते हो। वांग जी उसके पास आकर एक सीरियस टोन में कहता है वुइंग तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, मुझे लगा लास्ट नाइट के बाद तुम और मैं हम दोनों के बीच, इसके आगे वांग जी कुछ नहीं कह पाता। वुइंग कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम भी मेरे लिए अब वैसा फीलिंग्स रखते हो जैसा मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ, तुम्हें लगता है मैं हर बार तुम्हारी बातों में आ जाऊँगा। ये सुनते ही वांग जी की आंखों में एक होप नज़र आती है और वो वुइंग के पास जाकर कहता है सेम फीलिंग्स, मतलब तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो वुइंग। वुइंग मन में सोचने लगता है क्या वो नाटक कर रहा है, क्या उसे अभी तक नहीं पता चला कि मैं उसके साथ क्यों था, क्यों अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर मैं रात भर उसके साथ रहा। वुइंग को ये सब सोच सोचकर और गुस्सा आ रहा था कि वांग जी उसकी फीलिंग्स को क्यों नहीं देख पा रहा, और वो सीधा उससे कह देता है मेरे रूम से निकल जाओ वांग जी, अगर तुम नहीं गए तो मैं कैंपस सिक्योरिटी को बुला दूंगा। वांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है प्लीज़ वुइंग, मुझे जानने की ज़रूरत है कि क्या तुम। तभी दरवाज़ा खुलता है और फैसांग अंदर आ जाता है। वुइंग की आंखों में आंसू देखकर वो वांग जी के पास जाकर कहता है अब तुमने क्या किया, तुम क्यों उसे परेशान कर रहे हो वांग जी, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते। वांग जी फैसांग की बातों को इग्नोर करते हुए एक बार फिर वुइंग की तरफ बढ़ता है। अब वुइंग चिल्लाते हुए कहता है प्लीज़ फैसांग, प्लीज़ उसे इस रूम से बाहर कर दो। हुएसांग वांग जी का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचने लगता है पर वांग जी टस से मस नहीं हो रहा था। हुएसांग उससे कहता है व्हाट द हेल वांग जी, मैंने तुमसे शुरुआत में ही कहा था ना कि वुइंग से दूर रहना, वो मेरा रूममेट है, वो बाकी सबकी तरह नहीं है, वो इनोसेंट है, प्लीज़ उसे अकेला छोड़ दो। ये सब सुनकर वुइंग को और भी ज़्यादा रोना आ रहा था। उसे ये एडमिट करने पर भी गुस्सा आ रहा था कि लास्ट नाइट जो उसने वांग जी के साथ बिताई थी उसकी फीलिंग्स वांग जी के लिए और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। जिस तरह वांग जी ने उसके लिप्स पर किस किया था, जिस तरह वांग जी रात भर अपनी चेस्ट पर उसके सिर को रखे हुए ही सोया था, उसे अपनी बॉडी पर अभी भी वांग जी का टच फील हो रहा था। वुइंग जब वांग जी की तरफ मुड़कर नहीं देखता तो वांग जी एक पेनफुल वॉइस में कहता है ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर रहूं, तो मैं तुमसे दूर रहूँगा। वांग जी वहां से चला जाता है। हुएसांग वुइंग से पूछता है तुम ठीक हो ना। वुइंग उसे कहता है शायद और शायद नहीं भी, पर मैं ठीक हो जाऊंगा। वुइंग ने शाओ शिनचैन को कई बार मैसेज किया, उससे माफ़ी मांगी और उससे कहा कि वो सारी बातें एक्सप्लेन करना चाहता है, पर शाओ वापस लौट चुका था। उसने जाते जाते वुइंग को सिर्फ एक मैसेज किया था कि वो कुछ समय अकेला रहना चाहता है। उस दिन वुइंग जब क्लास में जाता है शिनचैन उससे पूछता है तुम्हारे और वांग जी के बीच फिर से कुछ हुआ क्या। वांग जी उस दिन कॉलेज नहीं आया था। वुइंग पूछता है क्यों। शिनचैन कहता है क्योंकि जब वो वापस आया वो काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन दिख रहा था, मैंने उससे बात करने की कोशिश की पर तुम्हें पता है कि वो मुझसे बात नहीं करता। पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए या नहीं विभूषण, पर तुम्हारा उस पर बहुत असर होता है। वुइंग सोच में पड़ जाता है। पूरा एक हफ्ता हो चुका था पर वांग जी कॉलेज नहीं आया था। वुइंग को अब टेंशन होने लगी थी, वीकेंड आ चुका था। हुएसांग वुइंग को ज़बरदस्ती खींचकर फिर से पार्टी में ले आता है। वुइंग हुएसांग से वांग जी के बारे में कुछ नहीं पूछता, पर उसे वांग जी की बहुत परवाह हो रही थी इसलिए वो पार्टी में जाने का डिसाइड करता है। फाइनली वुइंग को इतने दिनों बाद वांग जी दिखाई देता है जो काउच पर बैठा हुआ था। वांग जी वुइंग की तरफ नहीं देख रहा था, वो बस कोक पिए जा रहा था। सब लोग आपस में बॉर्न फायर की बात कर रहे थे, कॉलेज में बहुत जल्द ही बॉर्न फायर होने वाला था। लीशवान वुइंग से पूछता है क्या नेक्स्ट वीकेंड होने वाले बॉनफायर में तुम जाओगे। वुइंग कहता है मैं श्योर नहीं हूँ। वांग जी वुइंग की तरफ देख नहीं रहा था पर सब कुछ सुन रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि लीशवान फिर से वुइंग के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा था। वांग लिंगजाओ सबके लिए बर्गर ऑर्डर करती है। वेट्रेस बर्गर लेकर आती है, सब लोग खा रहे थे केवल वुइंग नहीं खा रहा था। वांग जी वेट्रेस को अपने पास बुलाता है और बिना वुइंग की तरफ देखते हुए वेट्रेस से कहता है उसके लिए नया बर्गर लेकर आओ और इस बार उसमें केचप नहीं होना चाहिए। वुइंग ये सुन लेता है और सोचने लगता है वांग जी को याद है कि मुझे केचप नहीं पसंद।
विंग के इमोशंस एक बार फिर उस पर हावी हो रहे थे। पार्टी ख़त्म हो जाने के बाद सब लोग जाने लगते हैं। ह्वासांग एक बार फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ नाइट स्टे करने वाला था। ली शुआन विंग से कहता है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तभी वांग जी कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा। वांग लिंग जाओ वांग जी के पास आकर कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वांग जी उससे कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ली शुआन के साथ चली जाओ। वांग जी अब विंग को ऑर्डर देते हुए कहता है, विंग मेरे साथ चलो। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे बाहर ले आता है। ह्वासांग विंग से कहता है, रूम पर पहुँचते ही मुझे मैसेज ज़रूर कर देना। वांग जी विंग को घर छोड़ने के लिए निकल जाता है। पूरे रास्ते वक्त ना वांग जी एक शब्द कहता, ना विंग कुछ कहता। वांग जी जब विंग को उसके रूम तक छोड़ देता है, विंग दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने ही लगता है, तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम मुझे थैंक्स भी नहीं कहोगे। विंग उसे कहता है, थैंक यू सो मच लांग वांग जी मुझे घर तक छोड़ने के लिए। विंग वहाँ से जा ही रहा था, तभी वांग जी एक बार फिर उसे बुलाता है और कार से बाहर आते हुए कहता है, विंग क्या मैं तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ, मैं बहुत ड्रंक हूँ और मैं वापस ड्राइव नहीं कर पाऊँगा। विंग उसे कहता है, अच्छा फिर यहाँ तक तुमने ड्राइविंग कैसे कर ली। वांग जी कहता है, प्लीज़ विंग। विंग कहता है, ठीक है पर तुम ह्वासांग के बेड पर सोओगे। विंग उसे अपने रूम में अंदर आने देता है। रूम में आने के बाद दोनों अपने अपने बेड पर लेट जाते हैं। कुछ टाइम बाद वांग जी उससे कहता है, विंग मुझे नींद नहीं आ रही, क्या हम दोनों मूवी देख सकते हैं। नींद तो विंग को भी नहीं आ रही थी। वो अपना लैपटॉप लेता है और एक मूवी चला देता है। वांग जी उसके पास बेड पर आने ही वाला होता है, तभी विंग कहता है, मैंने कहा था ना तुम मेरे पास नहीं आओगे। वांग जी कहता है, फिर मुझे मूवी कैसे दिखाई देगी। विंग कहता है, तो फ्लोर पर आकर बैठ जाओ। बेचारा वांग जी वहीं विंग के बेड के पास फ्लोर पर बैठ जाता है और वो दोनों इसी तरह मूवी देखने लगते हैं। विंग को पता था कि वांग जी की नज़रें मूवी की तरफ नहीं बल्कि बार बार उसकी तरफ थी। जब मूवी ख़त्म हो जाती है, विंग यॉनिंग करने लगता है। उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब आधी रात के वक्त उसकी आँख खुलती हैं तो वांग जी उसके पास बेड पर ही लेटा हुआ था। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा था। विंग उसका हाथ हटाने लगता है। वांग जी उसका हाथ टाइटली पकड़ते हुए कहता है, प्लीज़ विंग मुझे बहुत अच्छी नींद आती है जब मैं तुम्हारे साथ सोता हूँ। विंग शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या। वांग जी उसके नज़दीक आकर कहता है, लास्ट वीकेंड जब हम दोनों साथ सोए थे आज तक मुझे कभी भी वैसी चैन की नींद नहीं आई। विंग उसे कहता है, तुम ड्रंक हो इसलिए ये सब कह रहे हो ना। वांग जी अब उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, मैं ड्रंक नहीं हूँ विंग, मैंने वही कहा जो सच है। विंग उसकी आंखों में और ज़्यादा देखता तो शायद वो कुछ कर बैठता। वो तुरंत उसे कहता है, गुड नाइट वांग जी, और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। वांग जी उससे कहता है, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं होता। विंग कहता है, क्योंकि जब भी तुम कुछ मुझसे अच्छा कहते हो अगले ही पल कुछ ऐसा कह देते हो कि मुझे हर्ट कर देते हो, मुझे रुला देते हो। वांग जी उसका फेस अपनी तरफ करते हुए कहता है, मैं कभी भी तुम्हें रुलाना नहीं चाहता। विंग पूछता है, तुम इतने दिन से क्लास में क्यों नहीं आए। वांग जी कहता है, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे दूर रहूं। दोनों के बीच में एकदम साइलेंस हो जाता है। विंग को पता था कि उसने ही वांग जी से खुद से दूर रहने के लिए कहा था, पर वो खुद उससे दूर नहीं रह पा रहा था। वांग जी फाइनली साइलेंस ब्रेक करते हुए कहता है, क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं और तुम मुझे ऑनेस्टली उसका जवाब दोगे। विंग हाँ में सिर हिला देता है। तो वांग जी कहता है, क्या तुमने मुझे इस पूरे हफ्ते मिस किया। विंग एक सेकंड के लिए एकदम शांत हो जाता है। वांग जी उससे पूछता है, मुझे जवाब दो विंग। विंग उससे कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, हाँ क्या। विंग कहता है, मैंने तुम्हें मिस किया, क्या मैं प्लीज़ सो सकता हूँ। वांग जी कहता है, इसी शर्त पर कि तुम मुझे भी अपने साथ यहाँ सोने दो। विंग कहता है, ठीक है। वो एक पिलो उठाता है और अपने और वांग जी के बीच में रख देता है और उससे कहता है, अब तुम सो सकते हो। वांग जी मुंह बनाने लगता है और विंग दूसरी तरफ मुंह करके हंसने लगता है। कुछ टाइम बाद विंग को फील होता है कि वांग जी ने उन दोनों के बीच का वो पिलो हटा दिया था और वो विंग को कस के पकड़ते हुए कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। इस तरह वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब विंग की आँख खुलती हैं तो उसके सामने वांग जी चेयर पर बैठा हुआ था जो उसका स्लीपिंग फेस ही देखे जा रहा था। विंग योनिंग करते हुए कहता है, तुम कितनी देर से ऐसे बैठे हुए हो। वांग जी कहता है, तुम कितने क्यूट लगते हो जब तुम सोते हो। तो
विंग टाइम चेक करता है तो 8 बज चुके थे। वो हमेशा 6 बजे का अलार्म लगाता था जो वांग जी ने ऑफ कर दिया था। विंग कहता है, तुमने मेरा अलार्म क्यों बंद किया? वांग जी कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारा क्यूट सा स्लीपिंग फेस देखना था। वांग जी पूछता है, वैसे तुमने अलार्म क्यों लगाया था? विंग कहता है, मुझे कुछ सामान लेने के लिए जाना था, कुछ ग्रॉसरीज और कुछ स्टडी मटेरियल्स। वांग जी कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। विंग उसे मना नहीं कर पाता। वांग जी विंग को अपनी कार में बिठाता है और वो दोनों ग्रॉसरीज के लिए निकल जाते हैं। सामान खरीद लेने के बाद विंग की नज़र एक कॉफ़ी शॉप पर पड़ती है। वो वांग जी से वहाँ चलने के लिए कहता है। वांग जी उससे कहता है, तुम यहीं कार में बैठो, तुम्हें जो भी कुछ खाना है मैं लेकर आता हूँ। वांग जी अंदर चला जाता है। जब वो बाहर आता है तो उसके हाथ में बैग्स थे और कॉफ़ी थी। विंग उसकी हेल्प करने के लिए कार से बाहर आता है। तभी वांग जी को एक ओल्ड मैन आवाज़ देता है जो वहीं से गुजर रहे थे। विंग उन्हें देखते ही समझ जाता है कि वो वांग जी के फादर हैं। वो टॉल थे, हैंडसम थे, उनकी आंखें बिल्कुल वांग जी जैसी थी। वो एकदम प्रोफेशनल दिख रहे थे। विंग को देखते ही वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाय। विंग भी पोलाइटली कहता है, हाय, मेरा नाम विभूषण है। वांग जी ना तो उनकी तरफ देखता ना उनका कोई जवाब देता। मिस्टर लैंड सीधा वांग जी से कहते हैं, वांग जी, तुमने मुझे पहले कभी नहीं बताया कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। आज रात को तुम्हें डिनर पर घर आना चाहिए और अपने बॉयफ्रेंड को भी साथ में लेकर आना चाहिए। वांग जी कहता है, नहीं, हम नहीं आ सकते और वो भी नहीं आएगा। तभी विंग कहता है, एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगेगा आकर, मैं शिचैन को भी जानता हूँ, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। मिस्टर लैंड मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी है कि तुम दोनों रात को डिनर के लिए आ रहे हो। वांग जी विंग को घूर घूर कर देख रहा था। मिस्टर लैंड विंग से कहते हैं, तो आज रात मिलते हैं विभूषण। वो दोनों को बाय बोलते हैं। वांग जी एक बार फिर उनका जवाब नहीं देता। उनके जाने के बाद वांग जी विंग से गुस्से में कहता है, ये सब क्या था विंग? विंग कहता है, क्या तुमने नहीं देखा वो कितने दिल से तुम्हें इनवाइट कर रहे थे? तुम्हें इतना डिसरेस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए था। वांग जी कहता है, तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते विंग, वो बहुत बड़े मैंशन में रहते हैं अपनी नई फैमिली के साथ, उन्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, क्या तुमने कभी भी उनसे बात करने की कोशिश की? आई नो मुझे तुम्हारे फैमिली मैटर्स में नहीं पढ़ना चाहिए, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, पर मैं ऑलरेडी उनसे कह चुका हूँ, इसलिए मैं जाऊँगा और शायद मैं ली शुआन को इनवाइट कर लूँगा, हम दोनों साथ चले जाएंगे। वांग जी अब उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत जो तुमने ली शुआन का नाम लिया। विंग कहता है, मैं क्या करूँ, तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं तो मुझे उसे इन्वाइट करना होगा। विंग ली शुआन को बिल्कुल भी इन्वाइट नहीं करने वाला था, पर वो चाहता था कि वांग जी कैसे भी अपने फादर के घर जाने के लिए तैयार हो जाए। वांग जी उससे कहता है, विंग, मैं सच में नहीं जाना चाहता, मैं वहाँ अपने डैड की नई परफेक्ट फैमिली के साथ में नहीं बैठ पाऊँगा, मैं उन लोगों को किसी रीज़न की वजह से अवॉइड करता हूँ। विंग कहता है, अगर तुम्हें वहाँ जाने में इतनी ही तकलीफ़ है तो मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगा, पर मुझे जाना होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी उनसे कह चुका हूँ। वांग जी जब विंग को उसके रूम तक ड्रॉप करता है, पूरे रास्ते वो उससे बात नहीं करता। विंग जब वापस अपने रूम पर आता है तो वो भी थोड़ा बुरा फील कर रहा था। उसकी लास्ट नाइट और मॉर्निंग वांग जी के साथ बहुत अच्छी बीती थी, पर एंड में आकर फिर से उन दोनों के बीच प्रॉब्लम हो गई। विंग रूम में आता है तो हुएसांग उससे पूछता है, सुबह सुबह तुम कहाँ गायब हो गए थे? विंग सारे ग्रॉसरीज के बैग्स बेड पर रख देता है। इससे पहले कि वो हुएसांग को कुछ बताता, रूम का दरवाज़ा खुलता है और वांग जी आकर खड़ा हो जाता है। हुएसांग उससे पूछता है, अचानक से तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी विंग कहता है, क्या मैं तुम्हारी कार में कुछ भूल गया? वांग जी कहता है, नहीं, मैं बस तुम्हें बताने आया था कि आज रात को मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, दैट्स ग्रेट, थैंक यू वांग जी। वांग जी भी उसकी तरफ मुस्कुराने लगता है। वांग जी जाते जाते उससे कहता है, मैं 6:30 बजे तक तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँगा। हुएसांग विंग से पूछता है कि अभी क्या हुआ था। विंग उसे सारी बात बता देता है और रात को किस तरह वो दोनों साथ में रहे थे, उन्होंने साथ में मूवी देखी, ये सब कुछ विंग बता देता है। हुएसांग का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो विंग से कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो रात को यहाँ रुका, वो कभी भी दूसरों के प्लेस पर नहीं रुकता, इनफैक्ट वो रात को किसी के साथ सोता भी नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है उसे रात के वक्त बहुत डरावने सपने आते हैं, इस बारे में कभी उसने खुल के बात नहीं की। विभूषण, मानना पड़ेगा,
तुम उसे बहुत बेटर तरीके से हैंडल कर लेते हो। आज से पहले मैंने कभी वांगजी को इस तरह नहीं देखा। विंग सोचने लगता है, मैंने उसके साथ क्या किया है मुझे खुद नहीं पता, पर मुझे इतना पता चल गया है कि वो हर किसी के साथ अच्छे से पेश नहीं आता, और किसी रीज़न की वजह से वो मेरे साथ अच्छे से पेश आने की कोशिश कर रहा है। शाम का समय आ गया था। विंग ने वांग जी के घर जाने के लिए हाथ तो कर दिया था, पर अब उसे काफ़ी नर्वस फील हो रहा था। जैसे ही वो दोनों घर तक पहुंच जाते हैं, वांग जी अंदर जाने से पहले विंग से कहता है, देख लेना आज का ये डिनर हमारी ज़िंदगी का सबसे वाहियात डिनर होने वाला है। जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं, मिस्टर लैन विंग को देखकर कहते हैं, थैंक यू सो मच विंग आज यहाँ आने के लिए। शिजैन से मैंने तुम्हारे बारे में बातें की, वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। वांग जी और विंग दोनों काउच पर जाकर बैठ जाते हैं। शिजैन भी वहीं बैठा हुआ था। शिजैन विंग से बात करने लगता है, तभी एक लेडी किचन से बाहर आकर विंग को देखकर कहती है, तुम ज़रूर विभूषण होंगे ना। वो लैन फैंग थी, शिजैन की मदर। विंग उन्हें देखकर कहता है, यस आंटी आपसे मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू सो मच मुझे इन्वाइट करने के लिए, आपका घर बहुत ब्यूटीफुल है। लैन फैंग कहती है, थैंक यू सो मच डियर। वो वांग जी से भी हेलो कहती है, पर वांग जी कोई जवाब नहीं देता। फिर भी लैन फैंग मुस्कुराते हुए कहती है, मैं किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर हम लोग डाइनिंग टेबल पर मिलते हैं। सब लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। विंग और शिजैन स्टडी से रिलेटेड बातें करने में लग जाते हैं। विंग लैन फैंग से पूछता है, आप लोग तो मेरी यूनिवर्सिटी के काफ़ी पास रहते हैं। तभी लैन फैंग मुस्कुराते हुए कहती है, शिजैन के फादर का चांसलर बनने से पहले हम एक छोटे प्लेस पर रहते थे, पर हमें ये घर दिखा और हमने तुरंत इसे खरीद लिया। विंग शॉक्ड होते हुए कहता है, चांसलर आप यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं? मिस्टर लैन कहते हैं, हाँ तुम्हें नहीं पता था? विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं किसी ने मुझे बताया ही नहीं। वांग जी कहता है, हाँ मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं लगी। वो अपने फादर की तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि मैं आपके नेम और पोजीशन का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी में नहीं करना चाहता था। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से उठकर चला जाता है। मिस्टर लैन का फेस बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे वो रो ही जाएंगे। वांग जी के शब्द उन्हें थोड़े बुरे लगे थे। विंग कहता है, आई एम सॉरी मैं अभी उससे बात करके आता हूँ। विंग भी वांग जी के पीछे पीछे चला जाता है। वांग जी विंग को देखकर कहता है, प्लीज़ विंग अगर तुम मुझसे कहने वाले हो कि मुझे नीचे जाकर उन लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए तो मत कहो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करने वाला। और तुम भी यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? तुम वहाँ जाकर उनके साथ डिनर एंजॉय करो ना। विंग कहता है, मैं नहीं जाने वाला। वांग जी कहता है, क्यों? तुम भी तो उनकी बोरिंग पर्सनालिटीज़ के साथ परफेक्टली मैच होते हो, तो वहीं जाकर बैठो ना। विंग को अब गुस्सा आ जाता है। वो वांग जी से कहता है, यू नो वॉट वांग जी तुम मेरा टाइम डिज़र्व ही नहीं करते। मेरा क्या, तुम किसी का भी टाइम डिज़र्व नहीं करते। तुम्हारे डैड ने तुम्हें इतने प्यार से इन्वाइट किया, तुम्हारी स्टेप मदर ने तुम्हारे लिए डिनर बनाया, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, हम लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, पर तुम्हें सब कुछ ख़राब जो करना था, क्योंकि तुम्हें सिर्फ यही आता है अच्छी खासी चीज़ों को कैसे ख़राब किया जाता है, सिर्फ ये तुम्हें आता है। वांग जी उससे कहता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो। विंग वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बहुत ज़ोर से अपनी तरफ खींच लेता है। वो उसे एक टाइट हग करता है। विंग को अपने शोल्डर्स पर वेटनेस फील हो रही थी। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग को बिना कोई वार्निंग दिए वांग जी तुरंत उसे लिप्स पर किस कर लेता है, एक फोर्सफुल और पेनफुल किस। उसके एक्शन में डेस्परेशन और हंगर दोनों ही था। वांग जी के टीयर्स का सॉल्टी टेस्ट भी विंग को अपने लिप्स पर फील हो रहा था। दोनों एक दूसरे के किस में जैसे खो ही गए थे। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और लैन शिजैन सामने आकर खड़ा हो जाता है। विंग जैसे ही उसे देखता है वो वांग जी को पुश कर देता है। दोनों के ही लिप्स और चीक्स बुरी तरह रेड थे। शिजैन कहता है, मुझे लगा था कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। विंग इससे पहले कि कुछ कहता शिजैन वहाँ से चला जाता है। विंग थोड़ा सा अशेम्ड फील कर रहा था। वांग जी उसे फिर से अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, तुम वापस नीचे डिनर के लिए जाना चाहते हो या मैं तुम्हें घर ले चलूं? विंग कहता है, पहले डिनर फिनिश कर लेना ठीक होगा, तुम क्या चाहते हो? वांग जी कहता है, मैं भी यही सोच रहा था, वैसे भी डिनर काफ़ी अच्छा बना है। ये सुनकर विंग हंसने लगता है। वांग जी उससे कहता है, ये मेरी फेवरेट साउंड है। नीचे जाने के बाद आखिरकार वांग जी अपने फादर से कह ही देता है,
आई एम सॉरी, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। ये सुनने के बाद उन तीनों के ही फेस पर एकदम सरप्राइज्ड लुक था। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि धीरे धीरे ही सही, पर वांगजी में चेंजेस तो आ रहे हैं। देखना होगा कि अब ये बैडास वांगजी कब तक और बैडास रह पाएगा। आज का वीडियो भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।